Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and enjoy at your home. Today we will going to start new chapter in English, The Little Fish Story, yani ek choti se machli ki kahani. To start kare. Let's begin. There are a great many millions fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small one at that. हमारे जो ओशियंस हैं यानी जो समुद्र हैं, नदियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वहां पर बहुत सारे मिलियंस यानी लाखों करोड़ों मछलियां होती हैं. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. लेकिन ये जो स्टोरी है सिर्फ एक छोटे से फिश की है. एंड वेरी स्मॉल एट वन दैट, तो वो बहुत छोटी मछली है उसके ऊपर ये स्टोरी है. ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ. दिस लिटिल फिश हैड एवरी थिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंडेंट. But he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. ये story जो है एक छोटी सी मछली की है, लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, वो खुश नहीं होती है उस चीज़ को लेकर के. You will laugh, तुम लोग हंसोगे जब मैं ये तुम्हें बताऊँगा कि वो happy क्यों नहीं है. He was unhappy because he was so very small. वो happy इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी fish थी. Okay. नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. वो ये सोचती थी कि बहुत ही मुश्किल होता है इतनी छोटी मछली होना, और बार बार वो यही सोचती थी, इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बहुत बड़ी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. एंड आई सेड टू बी सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक बी ही बिलीव्ड इट. वो बार बार यही सोचती कि कितना अच्छा होता अगर मैं बड़ी होती तो मैं सब कुछ कर पाती, सब कुछ अच्छा लगता, इतनी खुश होती. बार बार यही सोचने पर वो बिलीव करने लग गई, और मुझे भी ये बिलीव होने लग गया कि वो बड़ी है. ठीक है. वन डे ही वो स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. एक दिन क्या होता है, वो स्विमिंग कर रही होती है रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. स्कूल जो मछलियों का झुंड होता है उसे स्कूल कहते हैं. हम जो पढ़ने जाते हैं वो वाला स्कूल नहीं, लेकिन जो मछलियों का झुंड होता है, बहुत सारी मछलियाँ आपने देखा होगा टीवी में कि बहुत सारी मछलियाँ एक साथ स्विमिंग करती है, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी अप एंड डाउन ऐसे जाती है, तो उसके ग्रुप को स्कूल कहते हैं. ठीक है. तो वो रेस्ट कर रहे स्कूल में स्विमिंग कर रही होती है अपने स्कूल के साथ में, और सोचती है नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of the great net. Oh my god, क्या होता है जब वो तैर रही होती है मछलियों के साथ में, तो वो ये सोचती है कितनी बड़ी मछली, अपने आप को कितना थैंकफुल समझती होंगी, कितना खुश रहती होंगी, और कितनी हैप्पी होती होंगी कि हम कितने बड़े हैं, सब कुछ कर सकते हैं. तो अचानक क्या होता है, बिना वार्निंग के एक नेट होती है, नेट यानी जो जाल होता है मछलियों को जिससे हम पकड़ते हैं, तो वो उनके ऊपर आ जाता है. देयर वॉज अ मच फाउंडरिंग एंड द स्प्लैशिंग एज अ नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बिगनिंग. ओके, बिगनिंग एट एम्प्टाइड इन टू द बोट. ओके, क्या होता है, तो जब नेट आता है तो सारी मछलियाँ देखो उसके अंदर से फंस जाती हैं, और ज़ोर ज़ोर से मतलब मछली को जब पानी से बाहर निकालते हैं तो कैसे तड़पने लग जाती है, तो अचानक से वो सारी मछलियाँ उस नेट में आ जाती है, और धीरे धीरे उनको लगता है कि जो पानी है वो स्प्लैश हो रहा है. स्प्लैश मतलब ये होता है कि पानी को छपछपाट जो करते हैं ऊपर नीचे होने लगता है, तो वैसे पानी होने लगता है. अचानक से धीरे धीरे उन लोगों को सनलाइट दिखने लगती है कि वो पानी से बाहर की ओर जा रही हैं. ठीक है. और वो बोट की तरफ आ जाती हैं. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल व्रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इन टू द कूल क्लीन वाटर. हाउ गुड गुड इट फेल्ट. अब क्या होता है, जो फिश होती है ये छोटी वाली जो फिश होती है वो बोलती है, सोचती है कि फटाफट वो व्रिगल करके यानी छटपटाहट करके उस नेट से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो छोटी मछली होती है, और जब वो ठंडे कूल ठंडे पानी में साफ पानी में जब आ जाती है तो बोलती है हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लग रहा होता है उसे ठंडे पानी में आने के बाद में. ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर. वो इधर से उधर तैरने लगती है, हर जगह घूमने लगती है. एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट लिटिल फिश. वो ये सोचती है कि अब वो कभी ऐसा नहीं सोचेगी कि काश वो बड़ी फिश होती, या फिर उनकी जैसे हैप्पी रहने की कोशिश करती. वो छोटी है
तो वो वैसे ही खुशी है, आज वो छोटी थी तो उस नेट में से निकल गई तो उसकी जान बच गई। इसीलिए हम जैसे हैं हमें उसी में हैप्पी और खुश रहना चाहिए। ओके, चैप्टर समझ में आया, स्टोरी समझ में आई, तो लिसन केयरफुली। थैंक यू सो मच।